शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे देश में कोरोना वायरस का संकट आ पड़ा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने देश की जनता के लिए बड़ी संख्या में योजना का पिटारा खोल दिया है। इनमें से एक बिजली बिल। जी हाँ, आज के युग में कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों से दूर नहीं रह सकता, मगर इसके इस्तेमाल में बिजली की जरूरत होती। लॉकडाउन के कारण सभी बंद था तो लोग अपने अपने घरों में ही समय बिताते थे। सभी कार्यालय की ओर से प्रतिष्ठान बंद होने से राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य की जनता को 2 महीनों के बिजली बिल नहीं भेजेंगे। बाद में बिजली बिल आए तो उसे देख जनता को बिजली झटका पड़ा। जनता का कहना है कि उन्हें दुगना बिल भेजा गया, यह गलत है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पक्ष की ओर से विविध रूप से आंदोलन किए जा रहे हैं। शनिवार को भी शहर के विविध जगहों पर नगाड़ा बजाकर नगाड़ा आंदोलन किया गया। ऊर्जा मंत्री जागो, ऊर्जा मंत्री जागो कहकर उन्हें जगाने के लिए यह नगाड़ा बजाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहरा द्वारे महाराष्ट्र सरकार म्हणजे महाविकास जी आघाडी, जी महाठग आघाडी आहे, त्यांच्या विरोधात आज आम्ही इथे आंदोलन केलं आहे। ही आमच्या आंदोलनाची सलग 6वी साखळी आहे। आज आम्ही इथे नगाडा आंदोलन केलं, नगाडा वाजवून या सरकारचे कान उघडतात का याचा प्रयत्न इथे केला आम्ही। ज्या भरमसाट प्रकारामध्ये लोकांना विजलीचे बिल आले आहेत, विजेचे बिल आले आहेत, ते नक्कीच प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे कंबर मोडणारं काम आहे। जनतेची लूट जी या महाविकास आघाडीनी, ऊर्जा मंत्र्यांनी, उद्धव ठाकरेंनी चालू केली आहे, ती त्वरित थांबवावी आणि त्यांचे कान उघडावे यासाठी आज आम्ही इथे नगाडा आंदोलन केलेला। ही लवकरच तुमच्या सगळ्यांसमोर येईल की पुढची भूमिका काय असेल। आम्ही सलग 6वं आंदोलन केलं आहे, तरी सुद्धा या नाकर्त्या सरकारचे कान काही उघडत नाही। ते उघडावे म्हणूनच आज नगाडा वाजवून बघितलं की कानं उघडतात का आणि जनतेचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो का। यानंतर जर का हेही नाही केलं तर त्यांना तर जी भाषा समजते त्या भाषेत त्यांना